हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट के बारे में। ठीक है, तो जितना भी टाइम है आपको उसको यूटिलाइज करना है। और इस तरीके के क्वेश्चन अगर एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में बहुत ही इजीली सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आता है और वो आपका क्या होता है, दैट इज योर नंबर लाइन। ठीक है, आपकी नंबर लाइन, राइट। किस तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन 0, दैट इज योर 1, 2, 3, -1, -2, -3। अगर मैं बात करती हूँ 1/2 की, 1/2 या 1/2, इसका मीनिंग होता है 0.5। और 1/2 सिंपली वी कैन से हाफ, यानी कि एक से आधा। ये आपका यहां से लेके यहां तक क्या है, 1, और इसका हाफ। यानी अगर मैं बात करती हूँ 1/2 की, तो आप उसको यहाँ पे दिखा दोगे। ठीक है, तो आप रैशनल और इंटीजर को बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, होल नंबर को, नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे। लेकिन व्हाट अबाउट दी इरेशनल नंबर? इरेशनल के बारे में हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन जो है वो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, शो दैट अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कि आपको क्या करना है, अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, उससे पहले काम करते हैं हम, एक बार जरा पाइथागोरस को कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी पाइथागोरस थी। ये एंगल आपका कितने का होता है, 90 डिग्री का, दैट इज योर ए बी एंड सी। ये आपका ए बी और ये आपके पास क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक है, ए बी एंड दैट इज योर सी, या होता है आपका बेस, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज योर हाइपोटेनस। तो आपकी पाइथागोरस क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। अब अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए अंडर रूट 5 आपका, क्योंकि यहाँ इस स्केल पे तो हमारे पास ये है नहीं। ठीक है, इस स्केल पे तो हमारे इस तरीके के नंबर्स हैं, तो अंडर रूट 5 अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, अंडर रूट 1+4, अंडर रूट 2+3, और क्या हो सकता है, 3+2 हो सकता है, 4+1 हो सकता है, वो बात एक ही है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां देखिए, क्या ये किसी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2। यहां पे ये किसी का स्क्वायर है नहीं, ना तो 2 है और ना ही 1 है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। हम बात करेंगे अंडर रूट 5 की। ऐसा नहीं है हर केस में पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, ये इट कैन बी 1+2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बात करती हूँ, ये हाइपोटेन्यूस हो जाए, ये परपेंडिकुलर हो जाए, ये बेस हो जाए अंडर रूट। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये पी है और ये क्या है, बी है। इस तरीके से आपको इन रूट की वैल्यूज को जो है क्या करना है, जज करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, लेट अस टेक ए बी इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स और नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर आपने क्या किए हैं, 2 यूनिट ले ली है। ठीक है, एंड 1 यूनिट इज इक्वल्स टू बी सी और नंबर लाइन। ठीक है, वो भी आपने नंबर लाइन के ऊपर क्या किया है, रिजल्ट ले लिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर नंबर लाइन, तो ये ए है, ये बी है, दैट इज योर 2 यूनिट, ये आपकी क्या है, 2 यूनिट। मान लीजिए यहाँ आपका 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2, और यहां से यहाँ का डिस्टेंस कैरी, मतलब जब आप स्केल से रखेंगे तो ये कितना होना चाहिए, 1 यूनिट, कितना होना चाहिए, 1 यूनिट, दैट इज योर बी सी। नाउ जॉइन ए सी, आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को यहां से यहां ज्वाइन कर देना, राइट, वी गेट ए सी। अब आपके पास ए सी आ गया है, बात क्या है, ए सी को फाइंड आउट कैसे करना है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस ऑन ट्राइंगल ए बी सी ऑन नंबर लाइन, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको किस पे करनी है, नंबर लाइन के ऊपर करनी है, आप अलग से नहीं कर सकते। अगर ये 0 है, इट मीन्स आपको आगे ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, -1, यहाँ कितना हो जाएगा, -2, यहाँ कितना है आपका 1, और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 2।
बाय अप्लाइंग पाइथागोरस ऑन द ट्रायंगल विद द नंबर इन लाइन। ठीक है, अब नंबर लाइन के ऊपर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा अप्लाइंग पाइथागोरस, वी गेट ए सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर विच इज टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव। इट मीन्स ए सी इज अंडर रूट फाइव, राइट, कैन बी ड्रॉन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाई वी हैव टेकन दिस एज अ टू यूनिट एंड दिस एज अ वन यूनिट। ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा आपकी स्मॉलेस्ट साइड होती है, दैट इज योर स्मॉलेस्ट साइड। तो आपको टू वहां पे लेके वन वहां पे लेके इस चीज को कन्फ्यूज नहीं करना है। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका वन यूनिट और ये आपका टू यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से अगर किसी नंबर को आपको क्या करना हो, रिप्रेजेंट करना हो किस फॉर्म के अंदर, पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर, पी अपॉन क्यू फॉर्म इट मीन्स रैशनल नंबर की फॉर्म के अंदर, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 0.6 बार आपको दे दिया, राइट, शो और वी कैन से एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ठीक है, और क्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड पी एंड क्यू आपके क्या है, इंटीजर, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू जेड, जेड हमारे पास क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया सॉल्यूशन में, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, अब बार का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार, कि आपके पास बार है क्या। बार का मीनिंग होता है जिस भी नंबर के ऊपर आपका बार है वो वैल्यू आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इट मींस एक्स इज इक्वल टू 0.66666 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। और मैंने आपको बोला था कि जब भी आपके पास ऐसा नंबर आए जो खत्म ना हो लेकिन नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, पर ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, आपके पास रिपीट हो रहा है। तो अगर ये रिपीट हो रहा है इट मीन्स ये नंबर इरेशनल नहीं होगा। कैसा होगा, रैशनल होगा, या तो नंबर इरेशनल है या फिर रैशनल है। इरेशनल वो है नहीं, इट मीन्स वो क्या है, रैशनल। रैशनल नंबर की फॉर्म क्या है, पी अपॉन क्यू, यही आपको बतानी है। 0.666 एक काम कीजिए, जब भी यहाँ पे वन डिजिट के ऊपर हो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई इट विद 10 प्लाई, इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। तो कितना हो गया, यहां हो गया 10x, और जब इसको किया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 0.6666 मल्टीप्लाइड विद 10 कितना आ गया, 6.666। चाहे आप मल्टीप्लाई इसको करके देख लीजिएगा, इट विल बी 6.666। ये रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा नहीं है कि एक जीरो की वजह से इसकी फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक ये आ गया। नाउ सब्ट्रैक्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड में सब्ट्रैक्ट करना है, 10x इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0.6, इस तरीके यहां क्या आया 9x। पॉइंट में से हम पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए पीछे वाले जितने नंबर है वो सब सेम होंगे, ऑल आर 6, तो सबके सब क्या बन जाएंगे, 0 0 0 0 चलता रहेगा और 6 0। इट मींस 9x की वैल्यू क्या आ गई, 6, और x आ गया 6/9, काट दीजिए 2/3। ठीक है, p अपॉन q, q इज इक्वल्स टू 3 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। So, 0.6 bar is equals to 2/3 in the form of P by Q and Q not equal to 0, where 2 and 3 आर इंटीजर, ये आपके पास क्या है, इंटीजर। तो इस तरीके से आप इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके पास मान लीजिए कुछ नंबर्स आ जाएं और आपको ये बताना हो कि बताइए ये रैशनल है या फिर ये इरेशनल नंबर है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि अंडर रूट 23, अब अंडर रूट है और 23 कैसा है, प्राइम, और मैंने आपको बताया था जब भी अंडर रूट के अंदर पी होगा तो वो नंबर कैसा होगा,
इरेशनल, वो नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, अब ये देख लीजिए, जैसे 1.10100100001000001, ठीक है, एंड सो ऑन चल रहा है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए आप कहोगे मैम 10 रिपीट तो हो रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था, आपके पास कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर कोई भी डेफिनेट पैटर्न जो है वो नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। अगर आपको इरेशनल नंबर समझ में नहीं आ रहा तो आपको सबसे पहले, इससे पहले फर्स्ट वाली वीडियो जो है वो जाकर जरूर देखनी चाहिए। फिर आता हमारे पास अंडर रूट 225। अंडर रूट 225 हमारे पास क्या होता है, पहली बात तो ये प्राइम नहीं है, ये होता है 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है, ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं ना स्क्वायर रूट, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपके पास क्या है 15, 15 का स्क्वायर रूट होता है, इसके पेयर बन गए, ये कितना आ गया 15, तो ये हमारे पास कैसा नंबर है, नॉट इरेशनल, ये इरेशनल नहीं है। ठीक है, ये आपके पास नंबर कैसा है, ये रियल है, ये इंटीजर है, ये रैशनल है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें जज करना है। ठीक है, एक और नंबर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, जैसे कि 0.379, और उसके बाद खत्म हो गया है, कुछ नहीं है, इट कैन बी रीजन एज 379 डिवाइड बाय 1000, तो क्या हो गया, पी बाय क्यू, और क्यू कैन नॉट इक्वल टू जीरो, तो नंबर हमारे पास कैसा हो गया, रैशनल, नंबर कैसा हो गया, रैशनल। ठीक है, नंबर सिस्टम का इन क्वेश्चंस के लिए क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जो है कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यही चीज पूछ लूं कि 2 - √5 है, ठीक है, ये बताओ कैसा है, ये इरेशनल है, मैंने एक नंबर में से इसे सब्ट्रैक्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये भी कैसा आएगा, इरेशनल, कैसा आएगा, इरेशनल। ठीक है, अब मैं ऐसे लिखती हूँ 2 √7 डिवाइड बाय 7 √7, ये इससे कट गया, क्या आ गया 2/7, और ये क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये कैसा है, रैशनल, ये कैसा है आपका, रैशनल। इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, 2π, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था पाई कैसा होता है, इरेशनल। जब भी हम किसी इरेशनल नंबर को किसी रैशनल के साथ एड, रैशनल के साथ एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, तो नंबर कैसा आता है, इरेशनल। क्या हुआ, रैशनल के साथ इरेशनल को डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पाई कैसा होता है, इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रैशनलाइजेशन, उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, किस तरीके से आप रैशनलाइज को सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर यूजफुल एंड अपकमिंग वीडियोज।